लगातार 16 सालों से युवती अपने ही साथ कर रही थी ऐसी घटिया हरकत कि सच जान कर लोगों को नहीं हुआ उनके कानों पर यकीन, आप भी हो जाएंगे हैरान। 5 सालों से पेट की दर्द से करा रही थी युवती ऑपरेशन, में निकली ऐसी चीज कि उड़ गए लोगों के होश। डॉक्टरों का भी बैठ गया कलेजा, पैरों तले खिसक गई जमीन। पेट दर्द की असली वजह ढूंढने में फेल हो गए बड़े बड़े डॉक्टर। फिर हुआ कुछ ऐसा खुलासा कि सूख गया लोगों का गला। वीडियो में समझे पूरा मामला। आपने लोगों को नाखून चबाते देखा होगा। कई लोगों को मिट्टी खाने की आदत होती है। ऐसे कई लोग हैं जो अजीबोगरीब चीजें खाने के शौकीन होते हैं। आपके लिए भले ये हैरान कर देने वाली चीज होगी, लेकिन ये लोग बड़े शौक से इन्हें खाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों के सामने 5 सितारा होटल का खाना भी फेल है। लेकिन अगर कोई अपने ही सिर के बाल खाने का शौकीन हो तो, यूपी के बरेली में रहने वाली एक युवती पिछले 16 साल से अपने सिर के बाल खा रही थी। जब भी वो बालों को झाड़ती तो टूटे बाल खा जाती। पहले तो घर वालों को इसकी भनक नहीं लगी। मामले का पूरा खुलासा अब जाकर हुआ है जब युवती के पेट में दर्द रहने लगा। पिछले 5 साल से परिजन कई प्राइवेट अस्पतालों में लड़की को दिखा दिखा कर थक गए। कोई इसके पेट दर्द की वजह नहीं बता पाया। आखिरकार जिला अस्पताल के डॉक्टर ने युवती का केस लिया और मामले का खुलासा किया। 16 साल से खा रही थी बाल युवती। पिछले 16 साल से बाल खा रही थी। इसकी वजह से 5 साल से उसके पेट में दर्द रहने लगा था। उसे कई अस्पतालों में दिखाया गया, लेकिन कहीं आराम नहीं मिला। ऐसे में थक हार कर घर वालों ने उसे जिला अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया। यहाँ डॉक्टर ने युवती का सीटी स्कैन करवाने की सलाह दी। रिपोर्ट देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। युवती के पेट में बालों का बड़ा सा गुच्छा था, जिसे उसने 16 साल से खा खा कर जमा किया था। ऑपरेशन कर निकाला बाहर। रिपोर्ट में पता चला है कि युवती के पेट में दर्द बाल के गुच्छे की वजह से है। इसके बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन की सलाह दी। ऑपरेशन कर बालों का गुच्छा बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल की डॉक्टर अलका शर्मा ने बताया कि 25 साल में ऐसा पहला केस आया है। दरअसल युवती मानसिक बीमारी का शिकार थी। उसे ट्राइकोटिलोमेनिया नाम की बीमारी थी। इसकी वजह से वो अपने सिर के बाल खाने लगी थी। इस वीडियो के माध्यम से अब हम भी आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर क्या होती है ट्राइकोटिलोमेनिया बीमारी। NSS.UK में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी को हेयर पुलिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें लोग बार बार अपने बालों को उखाड़ते हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अपने बाल नोचने की इच्छा को रोक नहीं पाता। वे अपने सिर या अन्य स्थानों जैसे अपनी बोहे या पलकों के बाल उखाड़ सकते हैं। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति अपने बालों को खींचने के बाद राहत महसूस करता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति के अंदर शर्मिंदगी और लो सेल्फ स्टीम की भावना पैदा हो जाती है। प्रभावित लोग अपनी स्थिति को अपने तक ही सीमित रखने का प्रयास करते हैं। इस दुनिया में तरह तरह की बीमारी है और इस बीमारी से लोग कितने परेशान हैं, इससे आप समझ सकते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।